रीवा सीधी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 15 से ज्यादा मौतें, 40 से ज्यादा घायल, कई की हालत चिंताजनक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख रुपए देने के साथ बेहतर इलाज की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की सभा से लौट रही बसें आपस में टकराई, लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल, 15 मौतें, मृतक के परिवार को 10 लाख, गंभीर को 2 लाख सहित अन्य सुविधाएं देने का ऐलान किया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हाँ, दूसरे गाड़ी से मर गए हैं, पर हमारे गाड़ी में ठोकर मारी थी डाला वाला। अपना ऐसा करिए, हाइड्रा वाला बैक करवा के पीछे लगा के सटिया के साइड के लिए। ये जाके किनारे तुम लोग साइड में बजे वहाँ से चलाने की हो गया 8 के लगभग या भाया। कैसे हो गया एक्सीडेंट? अरे साहब, माँ जिस बल्कर बालक ठोका पाछे, हमारी पास जानकारी नहीं रही कि ठोकर मार दी है, तो मैंने वो कहीं नीचे चला, आधा धर गाड़ी की झूला गया, हमारे चूर क्यों ना हो। कितने लोग थे बस में? अरे हम लोग रहा 40 आदमी था, तो कुछ आदमी अगर वहाँ एडमिट थे, हमारे पिताजी की पैर टूट गई। अपने नाम का है ललाई कौर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे, अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है, सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है
उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी, और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे। सरकारी घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ, जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए, ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी, और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे, और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। कितने लोग हैं?